एक ब्लॉक करियो, एक ब्लॉक हो सकता है दो सटा है ना। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं, बाकी उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज कुछ ऐसा खास नहीं था, वैसे एक मेरा फ्रेंड है, मेरे थिएटर से जानता हूँ मैं उसको, तो उसका कुछ कॉलेज का प्रोजेक्ट है, मतलब वो डायरेक्शन में है ज़्यादा, तो उसको एक एक्टर की ज़रूरत थी एक या दो, मतलब मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ जा रहा है, तो उसको एक शॉर्ट फिल्म बनानी है जिसको मतलब हम शूट करने जा रहे हैं आज। तो चर्च गेट जा रहे हैं हम, तो अभी देखते हैं यार, लेट हो गया, उसने बुलाया था, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ यार जहाँ भी जाना होता है। तो देखते हैं, अभी बस निकला हूँ वहाँ से, अब पहुँचते मैं अब दिखाता हूँ आपको बीच में सब कुछ कि क्या है, शॉर्ट फिल्म कैसे बन रही, क्या है। इतनी खाली मुंबई लोकल को कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, इतनी खाली, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। बढ़िया भाई, आज तो लगता है दिन अच्छा जाने वाला है, मतलब यहाँ चर्च गेट स्टेशन पे पहुँच गई हूँ, यहाँ से बस बाहर निकलते हैं और भाग के पहुँचते हैं। वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है 10 मिनट का, ये वाली बिल्डिंग मुझे अभी तक पता नहीं चली कि इसकी, मैं हर बार आता हूँ सोचता हूँ कौन सी है देखूँगा, पर सर्च कर ही नहीं पाता, अभी भी नहीं देख रहा, चलो किस दिन देखूँगा आराम से, अभी तो टाइम जल्दी में हूँ। अभी यार कुछ खा लेता हूँ, नहीं तो उसके बाद पता नहीं कब टाइम मिले। इस बस में भी बैठना है एक बार, टाउन साइड का एरिया सबसे बढ़िया एरिया है मुंबई में यार, इतना खुला, इतना साफ, मतलब मुंबई का बेस्ट एरिया टाउन साइड है। बस पहुंच गया उसके अपार्टमेंट के बाहर, अभी फ़ोन करता हूँ, बुलाता हूँ उसे, फ्लैट नंबर नहीं बताना नहीं तो खुद ही चला जाता। वैसे तो गाड़ी अपनी है पर आज इसमें जाने का मन नहीं, आज टैक्सी में चलेंगे यार। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो अभी स्क्रिप्ट पे डिस्कस करने के बाद अभी यहाँ से चर्च गेट से निकले हैं, नवी मुंबई में जाना है हमें यहाँ से शूट के लिए, तो 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। तो अभी देखते हैं यार, यहाँ से कैब ढूंढ रहे हैं, कैब मिलते ही यहाँ से निकलेंगे, पूरी रात का शूट है। तो एक सीन सुबह भी है, तो उसके लिए हमें जो रात का शूट है उसे 3-4 बजे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि सनराइज़ का सीन वो लेना हमें। स्टेशन की लाइटिंग देख के मज़ा आ गया भाई, क्या लाइटिंग है, नीली पीली सब हो रही है, लाइटिंग बदल रही है। वो फिल्म थी ना रावणा, शाहरुख खान की, उसकी याद आ गई, उसमें भी ऐसी ट्रेन, ऐसे बिल्डिंग से उतरे उससे ट्रेन निकलती है, सर्राती सिर्फ तारे हैं। कैमरा सेटअप चालू है, काम चालू है, बस शुरू होने वाला सब कुछ। ओ, ऐसे दिखा दो बस, थोड़ा ऊपर कर दूँ क्या, हेड स्पेस दो उसको, क्या है मुझे कोई फ़ोन का तो भाई वो दिख नहीं रहा। एक ब्लॉक करियो, एक ब्लॉक हो सकता है दो सटा है ना।
मतलब टाइट था, क्योंकि वो अगले ही दिन रात को 10 बजे तक सबमिट करनी थी, तो उसके बीच में एडिटिंग और पूरी मतलब रात को पूरी शूटिंग हुई। रात को मान लो हमने शुरू किया था 10 बजे और सुबह क्या दोपहर ही हो गई 1 बजे तक लगे रहे, कई शॉट्स बार बार शूट करने पड़े, तो उसमें ना टाइम ही नहीं मिल पाया, बहुत ज़्यादा वो था। बाकी बन गई है, मैं घर आ गया था अपने फ्लैट पे वापस, बहुत दूर गए थे तो वहाँ से आने में भी टाइम लग गया। तो अभी जब आएगी तो मैं शॉर्ट फिल्म वगैरह अगर मतलब मेरे पास आती है तो मैं इस पर अपने यूट्यूब पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मुझे लगता है वो कॉम्पिटिशन में जाएगी तो मैं यहाँ डाल नहीं पाऊँगा अभी, तो जब कॉम्पिटिशन का रिजल्ट आएगा मैं तभी डाल सकता हूँ उसे, वैसे उससे पहले नहीं डाल सकता। उसके ग्लिम्सेस डाल दूँगा थोड़े बहुत जब तक थोड़े दिन में। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।